के खूबसूरत नाम है तमाम सी टीवी देखने वालों की सलामती हो। डेली डिवोशन में मैं हूँ आपके साथ इस माके मेहमान। आज हम बात करेंगे पांचवें कलमे के बारे में। मैं प्यासा हूँ, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 19वें बाब की 28वीं आयत में। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविष्ता पूरा हो, वो तो कहा मैं प्यासा हूँ। इस कलमे का वक्त तकरीबन 2:30 बजे जब तमाम मुल्क में अंधेरा छाया हुआ था तो यीशु मसीह ने ये अल्फाज कहे। इस कलमे की नौयत क्या है? इस कलमे में मसीह ने बदन की एक ज़रूरत का इजहार किया, यानी कि मैं प्यासा हूँ। ये पानी मांगने की अपील या दरख्वास्त नहीं थी बल्कि हकीकत का बयान था कि मसीह मुजस्सम खुदा था। वो एक तरफ कामिल इंसान भी था और एक तरफ कामिल खुदा। जब उन सब इंसानों की तरह से भी भूख लगती थी, उसे भी गर्मी सर्दी खुशी गम का शिद्दत से इजहार होता था और वो थक भी जाता था, उसे आराम की भी जरूरत होती थी। ये कलमा खास मसीह की जो इंसानियत से ताल्लुक रखता है और इंसान होते हुए वो सलीब पर प्यासा हुआ और वो अपनी इलाही कुदरत इस्तेमाल करके पानी पी सकता था लेकिन उसने ऐसा ना किया। देखते हैं कि जब आदमी के बदन में पानी की कमी आ जाती है तो वो प्यास को महसूस करता है। खुदावन ने आखिरी खाना गुज़श्ता शाम को बाला खाना में ईद फसा मनाते हुए खाया था और इस बात को तकरीबन 18 घंटे बीत चुके थे और 18 घंटे यीशु मसीह जो है वो इधर उधर पेशियां यीशु मसीह की हो रही थी और इस दौरान उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया और उसको ये सब सहने के बाद आखिरकार उसको प्यास लगी क्योंकि वो इंसान था, कामिल इंसान भी था। और उन्होंने क्या किया कि उसको सिरका पीने के लिए दिया। यूहन्ना की इंजील 19वें बाब की 30वीं आयत में वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। फिर उन्होंने सिरके में भुगोए हुए स्पंज के जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। ये सिरका उस पीने वाली चीज़ से मुख्तलिफ था क्योंकि मसलूब करने से पहले लोगों को पिलाई जाती थी और दर्द को रोकने के लिए एक दुआ के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। मुकद्दस मत्ती की इंजील के 27वें बाब के 37वें में मिलता है कि ये फ़त मिली हुई मैं थी और उसे पीने के लिए दी गई, लेकिन यीशु मसीह ने उसको पीने से इनकार कर दिया। मसीह को भी ये खास पीने के लिए दी गई लेकिन उसने इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वो सलीब पर बेहोश नहीं होना चाहता था और वो पूरे होशो हवास में जो तमाम नविश्ते उसके बारे में लिखे गए थे उनको पूरा करना चाहता था। अगर वो उसको पी लेता तो हो सकता है कि वो सलीब पर बेहोश हो जाता और वो डाकू भी फरदोस में ना जा पाता और यीशु मसीह की जो माँ थी वो भी बेसहारा रह जाती। खुदावंद यीशु मसीह ने सिवाय प्यास के अपनी और किसी तकलीफ का नाम नहीं लिया क्योंकि इससे गुजरे 18 घंटों में बेहद दर्दनाक और सख्त अजियत पहुँचाने वाला सलूक किया गया। उसे तमाचे मारे गए, कांटों का ताज पहनाया गया और कांटों की चुभन और हाथों और पाँव में की ब्लड निकल रहा है और इस वजह से जो है वो अपनी प्यास का इजहार करता है। सिरका नहायत तुर्श होता है और खुश्क जबान को काटता है जिससे मसीह को तस्कीन मिलने की बजाय उसको अजियत मिलती और ज़्यादा तकलीफ होती और सिपाहियों की जो मुराद थी वो पूरी हो जाती और उनके जज्बा हकारत को तकबीयत मिलती और यीशु मसीह ने उसको पीने से इनकार कर दिया। इस कलमे का जो असली मकसद है वो ये है कि उसे इस प्यास से ज़्यादा एक और प्यास थी और वो प्यास थी नविश्तों के पूरा करने की, पेशन गोइयों के पूरा करने की प्यास थी। कलमे की आयत ही हमें बताती है कि मैं प्यासा हूँ। ये ख़ास गर्ज से बोला गया क्योंकि सबूर 69 उसकी 21वीं आयत में है कि ये पूरा हुआ कि मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका दिया। अब देखते हैं कि मसीह के इस कलमे का जो अदद है वो क्या है। इस कलमे का अदद 5 है और जो खुदा के फजल को जाहिर करता है और फजल के मायनी है वो रहम जिसके हम हकदार नहीं। हकीकत में अगर खुदा पूरा पूरा इंसाफ करे तो हम सजा के हकदार हैं क्योंकि हम सब गुनहगार हैं, लेकिन खुदा नहायत रहम करने वाला भी है और वो हमारी हलाकत नहीं चाहता। इसने सारी सजा
जो थी अपने बेटे को दे दी और हम पर रहम कर दिया और हमें उस सजा से आज़ाद कर दिया। मसीह की प्यास से मुराद ये है कि वो क्या चाहता है। आज अगर हम कलाम पढ़ते हैं, उस पर अमल करते हैं जो हमें बताता है कि मसीह क्या चाहता है, वो मसीह की प्यास है। हमने देखा कि सलीब पर मसीह की ख्वाहिश थी कि तमाम पेशनगोइयों का पूरा हो जाए, ये उसकी प्यास थी। और आज यीशु मसीह की प्यास है कि हम उसके कलाम को, उसके कलाम की अज़मत करें। खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर कलाम को अपने सामने रखा और हर लम्हा उसका एहतराम किया। उसने ये ख्याल रखा कि हर लफ्ज़ जिसके बारे में लिखा है वो अपने पूरे होशो हवास में उनको अदा करें। हमें भी कलाम को हर हालत में पढ़ना और याद रखना है। और खुदा हमें और हमें खुदा की हर वक्त शुक्रगुजारी करनी है कि वो इंसानी शक्ल में ज़ाहिर हुआ और कुर्बानी के लिए अपना बदन दे दिया और हमारे गुनाहों को सलीब पर उठाकर कुर्बान हो गया। खुदा आपको इस कलाम के लिए, कलाम की वजह से बैठ करते हैं। थैंक यू।